दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। आप यहाँ पर स्वयं देख सकते हैं अपनी पहली अपडेट को, अपनी आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे इसमें आरओ और एआरओ के 181 जो हैं पदों पर और एपीएस के 300 पदों पर होगी भर्तियां। मतलब लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और यहाँ पर बताया गया है इसमें जो है कि जो है आरओ एआरओ के पदों पर जो भर्ती आने वाली है और एपीएस के जो है 300 पदों पर होगी भर्ती। और यूपीपीएससी ने जो है वो घोषित की जो है विज्ञापन करने की घोषणा, मतलब कि उन्होंने कहा है कि जो है हम जो विज्ञापन कब तक आएगा वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है। आवेदन के लिए जो है इसमें ओटीआर अनिवार्य कर दिया गया है और यहाँ पर बताया गया 300 पदों पर जो है भर्ती निकाली जाएगी। और कब निकाली जाएगी? सितंबर के दूसरे सप्ताह में। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये जो है इन पदों पर भर्ती जो है सितंबर के दूसरे सप्ताह, मतलब अगले महीने भर्ती आपकी जो है ये देखने को मिल जाएगी। और जो है लगभग आज के सभी समाचार पत्रों में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, एपीएस के 300 पदों पर भर्ती सितंबर के दूसरे हफ्ते में। मतलब वहाँ लिखा था अंदर और यहाँ लिखा ऊपर हेडलाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो 300 पदों पर इसमें आया और लिखा हुआ आरओ एआरओ के 181 जो है पदों पर अक्टूबर में आएगा विज्ञापन और लोक सेवा आयोग ने जारी किया है कार्यक्रम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है आवेदन शुरू होने से पहले जो है करा लें ओटीआर। ओटीआर आप करा सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दो सबसे बड़ी भर्ती जो है एपीएस की और साथ में जो है इसमें जो है आरओ एआरओ की, ये दोनों भर्तियाँ बड़ी भर्तियां आपको जो है सितंबर के दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे, इसमें राजकीय शिक्षकों ने जो है मांगा 62 वर्ष में सेवानिवृत्ति का विकल्प। मतलब क्या आपने देखा होगा एडेड स्कूल वाले और वह बेसिक के शिक्षकों के पास जो है 60 या 62 वर्ष का अवसर होता है, तो यहाँ पर राजकीय शिक्षकों को नहीं मिल रहा है इसमें जो है एसीपी का लाभ। मतलब कि अशासकीय सहायता प्राप्त जो स्कूल होते हैं वहाँ पर जो सेवानिवृत्त टीचर होते हैं वहाँ पर जो है 62 साल इसमें जो विकल्प होता है, पर राजकीय के लिए केवल 60 साल होता है। तो उन्होंने कहा हमारी भी आयु, हमारी सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो है 60 साल से बढ़ाकर जो 62 साल कर दी जाए। तो यहाँ पर ये जो है बता दें ग्रेजुटी इनको मिल जाती है, ग्रेजुटी के 65 वर्ष, 60 में रिटायरमेंट हो जाते हैं 65 में होते हैं तो ग्रेजुटी ले सकते हैं। ग्रेजुटी मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो है मिल जाता है, कम से कम 50 लाख के आसपास पैसा आपको इसमें दे दिया जाता है शुरू में। नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे, इसमें जो कि बोर्ड परीक्षार्थियों पर जो है बरसेंगे अंक, इसमें जो बन रहा है मॉड्यूल, तो यहाँ पर ये मॉड्यूल जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बरसेंगे यहाँ पर अंक, ये यहाँ पर जो पूरा विवरण यहाँ पर दिया हुआ है बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। और ये जो है लोक सेवा आयोग में इन्होंने शुक्रवार को प्रदर्शन किया हुआ है, ये छात्र वो हैं यूपीपीएससी के बाहर जो है प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन। यहाँ पर बात हो रही है इसमें कृषि प्राविधिक जो सहायक के जो है 906 पदों पर अभ्यर्थियों को मांगने की मांग को लेकर जो है शुक्रवार को लोकसभा की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया। और इन लड़कों ने प्रदर्शन करने के बाद जो है इन्होंने देरी कही, अभी तक इनका वो नहीं आया, परिणाम नहीं आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,400 जो है 46 पदों पर जो कृषि प्राविधिक जो है सहायक भर्ती में देरी हो रही है, इसीलिए लड़के जो हैं धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं ये। और आज के लगभग जो है सभी समाचार पत्रों में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, यदि आपने फॉर्म भरा होगा तो या ये आप डाल आपके लिए खुशखबरी है, बहुत जल्द अगर लड़के लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे तो लगातार हो सकता है कि जो है इन वो रिजल्ट में देरी ना हो और तुरंत घोषित कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो है ये एक बहुत जल्द जो है भर्ती में देरी नहीं होगी और जॉइनिंग आपको जल्दी मिल जाएगी। बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर, बात करेंगे इसमें जो कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का मामला जो है दंड पर चयन बोर्ड के जो है पूर्वानुमोदन की व्यवस्था होगी समाप्त और 63,000 शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में है। ये इस खबर को यहाँ पे जो है वो ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर क्या है मामला, बात हो रही है इसमें 62,000 शिक्षक और प्रधानाचार्य 1505 प्रधानाचार्य के अंतर्गत जो है ये 63,000 शिक्षकों की जो है सेवा खतरे में यहाँ पर डाल दी गई है, ठीक है। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं 4,500 जो है 12 सहायता प्राप्त स्कूल हैं पूरे प्रदेश के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो है इनके 100 टीचर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये कि यहाँ पर जो है नेक्स्ट शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो है अभी तक कोई समावेशन नहीं हुआ है, आयोग नहीं बन के तैयार, इनके प्रबंधकों के हाथों में शिक्षकों के शोषण की आशंका है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये। बात करेंगे इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की 52,000 पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर बता दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रबंध बोर्ड ने जो बोल दिया गया है कि यहाँ पर जो है हम बहुत जल्द भर्ती निकालेंगे। लगभग जो है इसमें निविदा के लिए यहाँ पर जो है बोल दिया गया, निविदा मतलब जो है टेंडर डालने के लिए, कॉपियाँ चेक होंगी और एग्ज़ाम कौन कराएगा पुलिस का जो है इसके लिए टेंडर के लिए यहाँ पर बोला गया है ये।
तो अब बहुत जल्द आपको जो पुलिस की भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे इसमें नेक्स्ट अपडेट की, और यहाँ पे बात हो रही है इसमें बीपीएससी मतलब 24 से 26 अगस्त तक जो है परीक्षा और 25 सितंबर से पहले परिणाम। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहली बार सुन लीजिए कान खोल के, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके जो है पहले चरण में जो है प्राथमिक डीएलएड व जो माध्यमिक जो है उच्च के का रिजल्ट इसमें घोषित किया जाएगा। इसके बाद बीएड वाले को इसमें रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कक्षा एक से लेकर पाँच के जो है बीएड वाले अभ्यर्थियों का परिणाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने बता दिया गया, इनको अभी अलग नहीं किया गया है। और 8,15,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे और परीक्षा केंद्र पर जो है 2.5 घंटा पहले आना होगा और जो है अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज भी होगी। साथ में इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पर भी जो इसमें रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट अपडेट की ओर, पीएचडी में जो है प्रवेश में अनदेखी का आरोप लगा के और इन्होंने लिखा पत्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पत्र लिखा पीएचडी के लिए। बात करेंगे इसमें स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग में आप देख सकते हैं शासन को जो है 3,244 नए जो है जरूरी पदों के सृजन को भेजा गया प्रस्ताव और स्वास्थ्य विभाग से जो है ख़त्म होंगे इसमें हजारों इसमें जो गैर मौजूदगी पद। और वो जो है पद कौन कौन से हैं, 47 इसमें जो है फिजियोथेरेपी है, 291 बीजीसी टेक्नीशियन, 893 जो है डार्क रूम और इसमें जो 2686 जो है नॉन मेडिकल सहायक, इन पदों को समाप्त कर रहे हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर लिखो पुराने जो है कर्मी को इसमें आपत्ति है और यहाँ पर भी आप स्वास्थ्य विभाग में जो है पद को ख़त्म कर रहे हैं, मतलब गैर जरूरी पद ख़त्म हो जाएंगे। बात करेंगे चपरासी भर्ती की। उन्होंने कहा है कि सर जी मेरा कल इंटरव्यू है। बहुत से लड़के आ रहे सर बस्ती का कब आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं सर जी मेरा कल इंटरव्यू है बस्ती में, कॉल आया था बट 1,10,000 रुपये इसमें जो हैं वो मांग रहे हैं। तो अभी आप पहले इंटरव्यू देख आइएगा फिर बात करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है आप जो है सारा न्यूज़ पेपर की, तो पेपर ही दिखाता हूँ, प्रूफ के साथ दिखाता हूँ मैं भैया, इसमें जो लड़के कह रहे हैं प्रूफ के साथ। और चपरासी भर्ती में लिखा हुआ है इसमें हरदोई में जो है LBS इंटर कॉलेज में जो है भर्ती कब तक आएगी। यहाँ पर जो है अब जो जिले रह चुके हैं आपने देखा कल जो है आप कुशीनगर देवरिया महाराजगंज चपरासी भर्ती आ चुकी है संविदा की, और लिखा हुआ सर फिर मिर्जापुर में चपरासी भर्ती कब तक आएगी, पूर्वांचल में आ रही धीरे धीरे, ठीक है मुरादाबाद में भी आएगी और इटावा एटा मैनपुरी इटावा फरकाबाद यहाँ पर भी, और लिखा हुआ बलिया का देख लीजिए, बलिया का लगे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर कब तक आया क्या नहीं आएगा। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं आगे फाड़ गए यहाँ पर जो है कि बलिया का ज्वाइन 25 अगस्त को होगा मेरे पास फ़ोन आया था। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो सर लिस्ट जो है बलिया भी जो 25 अगस्त को इसमें कर लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 25 अगस्त को ज्वाइनिंग हो जाएगा, आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ पर लिखा हो बलिया कोर्ट में यहाँ पे क्या काम करना होगा कॉलेज में, वैसे ओल्ड वीडियो देख लीजिएगा भाई, ओल्ड वीडियो देख लीजिए क्या काम करना क्या काम नहीं करना, चपरासी को कौन सा काम करना पड़ता है कौन सा काम नहीं करना, ओल्ड वीडियो देख लीजिए, पूरी स्पेशल वीडियो पड़ी हुई है, काम क्या क्या होते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, ड्रेस कोड क्या हुआ, सब कुछ बना हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं बलिया का इंटरव्यू 24 अगस्त को मेरे पास फोन आया था, 25 को। तो यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।